Morning students, welcome in my class. Our today chapter is components of food. Okay, so आज अपन revise करेंगे अपना chapter second, food preparation of our test. Now, in this chapter we will discuss about the food components. ठीक है, तो food के जो components हैं उसके बारे में अपन study करेंगे. So now, आपने काफी सारे टाइप्स के जो फूड है वो देखा होगा, लाइक बिरयानी, चपाती, इडली, पुलाव. ठीक है, तो इन फूड आइटम्स के बारे में अपने स्टडी किया होगा. ठीक है, एंड नाउ मतलब सबका अपना अपना, मतलब सभी को, मतलब सेम टाइप के फूड से सबका, सबके अपने अपने फेवरेट फूड्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप्स के फूड है, सबको अपने अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के फूड है वो पसंद होते हैं. ठीक है, एंड नाउ डू यू नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप. क्या जब आप स्लीप करते हो तब भी आपको एनर्जी की नीड होती है? तो जब आप स्लीप करते हो तब भी आपको क्या होती है? एनर्जी की नीड होती है. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे भी ब्रीथिंग हो रही होती है और ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा होता है. ठीक है, सो डू यू एग्री दैट वी नीड एनर्जी व्हाइल वी आर स्लीपिंग? क्या आप एग्री करते हो इस बात से? सो I agree. Okay. Can you add some more activities performed by our body during sleep? क्या इनके अलावा, जैसे ब्रीथिंग हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, क्या इनके अलावा क्या और एक्टिविटीज भी होती है आपकी? ठीक है, सो सपोज यू गेट लंच. जैसे आपने लंच ले लिया, हाउ डू यू फील? तो आप कैसा फील करोगे? इन क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो आप क्या कर सकते हो, डिस्कस करके फिर आपको बता सकते हो कि आपको मतलब क्या फील होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट इज फूड. फूड क्या होता है? सो ए चाइल्ड में वंडर वेदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड. अगर मतलब एक जो चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इस चीज के लिए सरप्राइज हो सकता है कि एवरी ऑर्गेनिज्म को किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है. द फैक्ट इज दैट, और इसमें फैक्ट क्या है कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सभी को फूड की नीड होती है, उनको एनर्जी की नीड होती है. तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं. ठीक है, और जो अपने फूड, मतलब अपने टू टाइप्स के फूड, मतलब न्यूट्रिएंट्स, अपने को टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फूड के. एक होते हैं अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट मींस इनकी हमारी जो बॉडी है उसको ज्यादा नीड होती है. तो इस टाइप के तो कौन से हो गए? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो नेक्स्ट अपने जो टाइप है न्यूट्रिएंट्स का वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है. इट मींस जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड कम होती है हमारी बॉडी को, वो क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए. ठीक है, तो ये क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है? कौन से? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड नेक्स्ट सम कॉमन फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट रीजंस दैट ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज दी हुई हैं और इन मतलब अपनी जो स्टेट की कुछ, अपनी कंट्री के कुछ स्टेट्स दिए हुए और कौन कौन से स्टेट पे कौन सा फूड जो है वो फेमस है इनका, या फिर आप यहाँ बोल सकते हो ये रिलीजियस फूड है यहाँ का. ठीक है, सो Now, as you can see here, there are more states. यहाँ पे कुछ और states भी दी हुई हैं और इनकी countries के बारे में भी दिया हुआ है. Now, next we have is benefits of food. अब देखो benefits अपन क्यों study कर रहे हैं? क्योंकि अपन बिना food के भी तो रह सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्यों अपन food अपने को लेना जरूरी होता है? क्योंकि ये हमारी body को काफी सारे बेनिफिट्स देता है, इसीलिए हमारी बॉडी को क्या होती है, इनकी नीड होती है. सो फूड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, जो हमारी हेल्थ और हमारी जो बॉडी है उसको मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, ये हमारी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और जो हेल्थी बॉडी है, ठीक है, कुछ जो डिजीज होती है उसके रिस्क को कम करते हैं. फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी की मतलब ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, इसी टाइप से जो न्यूट्रिशियस होते हैं वो मेंटल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं.
और ये हमें शार्प माइंड प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नेक्स्ट अपन बात करेंगे फूड के कंपोनेंट्स के बारे में. अब कंपोनेंट्स क्या हो गए, इट मीन्स जो हमें फूड से मिलते हैं. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी हियर देर आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट. फूड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन होते हैं वो हमें फूड से मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, ये सारे आपको कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं. तो यही क्या है, आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इन सभी जो कंपोनेंट्स का इनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है. ठीक है, यही क्या होते हैं आपके फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं. ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज फैट, प्रोटीन. देखो ये फैट देने वाले फूड आइटम है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं आपको. ठीक है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं और ये मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं. वाटर भी वैसे कंपोनेंट ऑफ फूड है, फाइबर होते हैं. ठीक है, और विटामिन आपको इनसे मिलती है. सो ये क्या हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं. देखो इनका जो वर्क है वो भी आप देख सकते हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड्स है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. इसी टाइप से जो फैट है ये क्या करता है, हमें फूड्स देता है और ये मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करवाता है. इसी टाइप से मिनरल्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल ग्रोथ है और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं. ठीक है, इसी टाइप से जो प्रोटीन्स है ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो बॉडी को रिपेयर करने में और बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये तो देखो इनका हो गया फंक्शंस. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इस कार्बोहाइड्रेट. तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मतलब ये थ्री टाइप्स का होता है, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज. ठीक है, थ्री टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. अब शुगर किससे मिलता है आपको, बनाना, एप्पल, ग्रेप एटसेट्रा. स्टार्च किससे मिलते हैं, वीट, मैस, पोटेटो, राइस, स्वीट फ्रूट्स, इनसे मिलते हैं. ठीक है, तो इनको सोर्सेज आपको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव सेलुलोज. तो सेलुलोज क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, और ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. ओके, एंड ह्यूमन कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. इसके अलावा जो वर्क है, ये वर्क फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी में, ये कॉमनली टर्म यूज की जाती है. उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना अपनी बॉडी और ब्रेन को. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अभी अपन ने देखे थ्री टाइप्स के सोर्सेज और कौन कहाँ कहाँ से मिलता है. ठीक है, एंड एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, नाउ मेन जो सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट के वो कौन कौन से हो गए, स्टार्च एंड शुगर. ठीक है, स्टार्च तो किससे मिलती है, राइस, पोटेटोज, पीस एटसेट्रा. ठीक है, इन सबसे मिलती है. और शुगर किससे मिलता है, हनी, जागरी, शुगर, ग्लूकोज, इन सबसे अपने को क्या मिलता है, शुगर मिलती है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोटीन. तो जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है. इसी टाइप से ये कॉन्स्टेंट बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ नेल्स हैज स्किन एंड ब्लड. ये सारे किससे बने हुए होते हैं, अपनी बॉडी के पार्ट प्रोटीन से बने हुए होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो कौन कौन से, सी फूड, मीट फ्रॉम फिश, चिकन. तो ये सारे क्या सोर्सेज हो गए, यहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है. फिर बेनिफिट क्या देता है प्रोटीन अपने को, ये क्या करते हैं, जो सेल्स हैं अपने
इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। इसी टाइप से प्रोटीन क्या करता है, बिल्ड करता है एंड रिपेयर करता है, किसको, टिश्यूज को, टिश्यूज को रिपेयर एंड बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, जो प्रोटीन है ये एंजाइम हार्मोन्स एंड अदर बॉडी केमिकल से मिलके बना हुआ होता है। जो प्रोटीन है एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, ठीक है, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड, इनका ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, अलोंग विद फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन क्या है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मीनिंग दैट द बॉडी नीड्स रिलेटिवली लार्ज अमाउंट्स ऑफ इट, ठीक है, जिसे हमें क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, लार्ज अमाउंट में। इट मीन्स ये क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका मेन क्या हो गया कि जो प्रोटीन है उसकी बहुत ज्यादा नीड होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज फैट। नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट्स है फूड का वो कौन सा हो गया, फैट। तो फैट क्या करता है, जितने भी ऑयली मतलब अपने फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उन सभी से अपने को क्या मिलता है, फैट मिलता है। और अपन जानते हैं कि ये अपने को कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो एज यू कैन सी हियर कंपोनेंट्स ऑफ मतलब जो फैट है उसकी सोर्सेस आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये एनिमल प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, प्लांट से यहाँ पे कुछ दिए हुए आपको और एनिमल्स भी दिए हुए। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बेनिफिट्स ऑफ फैट। फैट कंज्यूम करने का बेनिफिट क्या है, फैट क्यों अपने को लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, स्मॉल अमाउंट में एक बैलेंस डाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मोर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बार बार हीट को लॉस करने से, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज जंक फूड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जंक फूड्स। नाउ इट इज ए स्लैंग टर्म फॉर फूड कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम शुगर और फैट विद लिटिल डाइटरी फाइबर प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। इट मीन्स जिसमें ज्यादा कैलोरीज मिक्स होती है, ठीक है, लिटिल फाइबर, और फाइबर है वो कम होता है, प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से फूड होते हैं, जंक फूड। इट मीन्स वहां से न्यूट्रिशन आपको कम मिलता है, कैलोरीज और डाइटरी फाइबर्स जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो कम होते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जो जंक फूड है वेरी ऑफन द एक्सेस फैट, मतलब ये आपको बहुत ही कम कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि ये आपको क्या करते हैं, डिजीज से प्रिवेंट नहीं करते हैं। सो एज यू कैन सी, अब देखो जंक फूड होते कौन कौन सी है, लाइक बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, चिली, पोटेटो, कोल्ड ड्रिंक, गोल्फ फ्रेस, ये सारे क्या है, जंक फूड्स है। तो इन जंक फूड्स को आपको कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विटामिन। नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, विटामिन, ओके। सो देखो विटामिन होते क्या है, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने के लिए नीड होती है, ठीक है। और टाइप्स आपको यहाँ पे देखो दिए हुए, विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है, किससे आपको मिलता है, सोर्सेस दिए हुए, ओके। नाउ नाउ फर्स्ट अपना क्या हो गया, विटामिन ए, ये विटामिन ए के आपके सोर्सेस हो गए, जहां से आपको विटामिन ए मिलता है। नाउ इसी टाइप से विटामिन डी, इसके सोर्सेस आपको दिए हुए, तो ये आप देख लोगे, विटामिन ई, इसके सोर्सेस आप देख लोगे, ओके। नाउ एज यू नो दैट विटामिन के, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको डिजीज से फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें कुछ विटामिन अपने ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल, इट मीन्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ऐसे कौन कौन से हो गए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये इनके सोर्सेज हो गए, तो आप इनकी पिक्चर देख के भी यहाँ पे पहचान सकते हो। नाउ
अब देखो यहाँ पे आप इनके पर्पस, किस पर्पस से अपने को किसकी नीड होती है, विटामिन ए क्या करते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ इम्यून सिस्टम को करता है, और अपने को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, और मतलब टिथ बॉन्स वगैरह इनको स्किन के डेवलपमेंट के लिए इसकी नीड होती है। नाउ कॉम्प्लेक्स विटामिन बी, ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या हो गया, विटामिन बी, ठीक है। तो विटामिन बी जो है वो क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए नीड होती है इसकी। ये हेल्दी नर्व एंड ब्रेन्स के लिए फंक्शन करते हैं, इसी टाइप से इंटेस्टिनल हेल्थ एंड फॉर हार्ट हेल्थनेस, हार्ट के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट वी हैव इज विटामिन सी, ठीक है। तो इनके ये क्या फंक्शंस दिए हुए, ये सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, कुछ कैंसर्स को प्रिवेंट करता है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है, ठीक है, एंड वाउंड हीलिंग से बचाता है, ठीक है, कॉमन कोल्ड से आपको प्रिवेंट करता है, रेमेडी ऑफ स्कर्वी, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इसके पर्पज हो गए कि इन पर्पज की वजह से अपन इसको यूज करते हैं। इसी टाइप से विटामिन डी, तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को मतलब बॉडी की हेल्प करता है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में। इसी टाइप से विटामिन ई, विटामिन ई क्या करते हैं, विटामिन विटामिन ए के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट वी हैव इज विटामिन के, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है जब भी आपको चोट लग जाती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मिनरल्स, नेक्स्ट अपने पास में है मिनरल्स। अब देखो मिनरल्स क्या करते हैं, ये मतलब इनकी जो हमारी जो बॉडी है उसको स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है, जस्ट लाइक विटामिन्स मिनरल्स आल्सो हेल्प योर बॉडी टू ग्रो। ये जो मतलब जैसे विटामिन्स है वैसे ही मिनरल्स क्या करते हैं, बॉडी की हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में, एंड स्टे हेल्दी और हेल्दी रहने में। ओके नाउ इनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ये बॉन्स जो है उनको जो नवा इम्पल्स होते हैं उनकी मतलब बॉन्स को बॉन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। ओके और ये क्या करते हैं, देखो डिफरेंट टाइप के अपने पास मिनरल्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनके सोर्सेज हो गए, लाइक कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, आयोडीन, फॉस्फोरस, ये तो क्या हो गए मिनरल्स हो गए अपने। और ये मिनरल्स करते क्या है, यहाँ पे देखो इनके सोर्सेज दिए हुए, इट मींस यहाँ से आप क्या कर सकते हो मिनरल्स वो गैन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए इनके सोर्सेज हो गए, अभी अपन देखेंगे इनके फंक्शंस क्या क्या करते हैं, इट मींस बेनिफिट देखेंगे अपन कि ये क्या करते हैं। सो नाउ कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग करता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, टीथ एंड बोन्स में बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट वी हैव इज फॉस्फोरस, ओके फॉस्फोरस क्या करता है, बॉन्स एंड टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एटीपी प्रोडक्शन करता है जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो ये इनका क्या हो गया, काफी सारे इनके फंक्शंस हो गए। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आयरन, ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या हो गया आयरन। तो आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है रेड ब्लड सेल्स में। इसी टाइप से आयोडीन क्या करता है, नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। सोडियम नर्व इम्पल्स को कैरी करने में हेल्प करता है। पोटेशियम ये नर्व इम्पल्स को कैरी करता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव इज वॉटर, ठीक है। तो जो वॉटर है इसको मतलब हमारी जो बॉडी है, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको मतलब ये सबसे देखो एसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके मतलब 90% से भी ज्यादा वॉटर की नीड होती है, ठीक है, बट अप टू 60% ह्यूमन एडल्ट बॉडी इज वॉटर, ठीक है। जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब 90% पार्ट किससे बना हुआ होता है, मतलब वॉटर से, जबकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका 60% पार्ट है वो किससे बना हुआ होता है, वॉटर से। ना जो HH मिथेन है उन्होंने बताया कि जो ब्रेन एंड हार्ट है वो 73% वो पार्ट उसमें वाटर होता है। इसी टाइप से लंग्स में 83% पार्ट होता है, स्किन में 64% पार्ट होता है, ठीक है। तो ये मतलब अमाउंट है वाटर की, ठीक है। और वाटर करता क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है, काफी सारे फंक्शंस करता है, ठीक है। ये बिल्डिंग मटेरियल के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। एंड नाउ
नाउ ये इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करने का वर्क करता है स्वीटिंग एंड रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन एंड स्वीटिंग के थ्रू ये रेगुलेट करता है। ठीक है, इस टाइप से काफी सारे फंक्शंस हो गए इसमें। ठीक है, जो मेटाबोलाइज्ड होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इन द ब्लड स्ट्रीम। तो आप कितने क्लास के सो नाउ ये जॉइंट्स को क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है, सॉफ्ट बनाता है उनको। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रफेज और डाइट्री फाइबर। जो रफेज है ठीक है, या फिर जिसको आप डाइट्री फाइबर के रूप में भी यूज कर सकते हो। नाउ ये क्या करता है, सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए नीड होते हैं उनको आप क्या कहोगे, रफेज। ठीक है, एंड नाउ ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एंड सोर्स ऑफ रफेज जो है, एज यू कैन सी हियर नाउ ब्रांड शेडेड व्हील सीरियल्स। देखो यहाँ पे काफी सारी फ्रूट वेजिटेबल स्वीट पोटेटो प्लांट पोटेटो ये सारे क्या है, इसके सोर्सेज हैं रफेज के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे वाटर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रफेज भी उतने ही ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सम मोर फैक्ट्स अबाउट टू रफेज। ठीक है, इट मीन्स और क्या क्या करता है, अपने को मिलता कहाँ से। ठीक है, जो मतलब फ्रूट्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स होते हैं उसको आपको पील नहीं करना है, उनको डिस्कार्ड नहीं करना है, क्योंकि उनका जो पील्स होता है उससे आपको क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स मिलते हैं। ठीक है, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। ओके, नाउ रेडिस कैबेज पीस कुकुम्बर एटसेट्रा, ये जो है इनमें हाई अमाउंट होती है फाइबर की, सो वी मस्ट टेक देम। ठीक है, इसलिए हमें इनको खाना चाहिए, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ओके, एंड फ्लोर, जो फाइन फ्लोर होता है उसको आपको जितना ज्यादा हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ये डेंजरस होता है आपकी हेल्थ के लिए। एंड ब्राउन राइस एंड ओट्स, और जितना ज्यादा हो सके आपको ब्राउन राइस एंड ओट्स वो कंज्यूम करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। मीन्स डेफिशिएंसी डिजीज का मीन क्या होता है, कि जो मतलब जिस भी चीज की कमी रह जाती है हमारी बॉडी में, किसी चीज की, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, तो वो क्या करता है, डिजीज कोज करता है। ठीक है, एंड नाउ इन डिजीज को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रिशनल डिजीज। ओके, नेक्स्ट मशरूम्स, तो जो मशरूम है, सॉरी मैरिशमस डिजीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरिशमस डिजीज है वो किससे होती है, इसके सिम्टम्स हैं शंकन बॉडी विद नो फैट और लेस फैट। ठीक है, और जो रिब्स हैं वो स्टिक आउट हो जाते हैं। तो ये देखो इनके सिम्टम्स होते हैं, डिटेल में अपन इनके बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ आप स्टडी कर सकते हो यहाँ ओनली। ओके, नाउ क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर जो डिजीज है वो किससे होता है, उसमें स्टमक में स्वालन आ जाती है, एंकल्स में, और स्केल्टन जो बॉडी स्केल्टन होती है उसमें। तो ये क्या हो गए, इसके सिम्टम्स हो गए। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ फैट। ठीक है, देखो हमने प्रोटीन की कमी से जो डिजीज होती है वो अपन ने देखा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से देखा, ठीक है, और फैट की कमी से अपन देखा वीकनेस इन बॉडी। फैट की कमी से क्या हो जाती है, बॉडी जो है उसमें वीकनेस आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, तो विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है, अब अपन ने मतलब सिक्स टाइप के विटामिन के बारे में अपन ने स्टडी किया था, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ई, विटामिन के। तो नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, और ये क्या हो गए, इनके सिम्टम्स हो गए। नाउ विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, डिलेड ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। नाउ कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, कॉपर। तो कैल्शियम की कमी से तो क्या हो जाती है, टीथ में वीकनेस हो जाती है, टीथ एंड बॉन्स में। फॉस्फोरस की कमी से टीथ एंड बॉन्स वीक हो जाते हैं, और आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से गॉइटर, कॉपर की कमी से लो एपेटाइट, और ये इनके क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, इट मीन्स जो फूड है
प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से हैं जो आपको इन डिजीज से प्रिवेंट करते हैं? सो एज यू कैन सी हियर विटामिन एंड मिनरल्स के अपने प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके पास विटामिन हैं और डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपके पास क्या है, मिनरल्स हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? ठीक है, मीन्स जितनी भी हमारी जो बॉडी है उसको जितनी जितने भी कंपोनेंट्स की नीड होती है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड की नीड होती है, वो उतना उतनी अमाउंट में अगर अपनी बॉडी को मिले, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स अगर अपने फूड में इंक्लूड हो तो वो क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ, मतलब वो अपनी बैलेंस डाइट हो जाएगी। ठीक है, मेक योर डाइट ए बैलेंस। ठीक है, आपको अपनी डाइट जो है वो बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलड, वेजिटेबल्स, टैकिंग फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एटसेट्रा एडिक्वेटली। ये आपको एडिक्वेटली इसमें इंक्लूड करना अपने फूड में। ठीक है, टैकिंग ए बिट ऑफ फैट। ठीक है, और आपको फैट भी लेना है, सीजनल फ्रूट्स आपको लेने हैं। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विद ग्रीन सैलड एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, और ग्रीन सैलड और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना आपको कभी भी नहीं भूलना है। नाउ जो बैलेंस डाइट है वो बहुत ही चीप होता है। ठीक है, इट मीन्स इतना ज्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, नाउ देखो आप इसमें कौन सी, मतलब नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, नाउ देखो आप इसमें राइस, रोटीज, ग्रीन वेजिटेबल्स, लिटिल ऑयल, जैगरी, ऑल द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी आर फुलफिल्ड। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने फूड में ऐड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज नॉट इनफ। डिफरेंट टाइप के फूड लेकर ही आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर सकते। इट शुड बी कुक्ड इन ए प्रॉपर वे, ये प्रॉपर वे में कुक्ड भी होनी चाहिए। ठीक है, यू नो मैनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बाय ओवर कुकिंग। मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे मतलब लॉस्ट हो जाते हैं, ओवर कुकिंग की वजह से, रीहीटिंग की वजह से होता है। तो आपको बार बार उसको रीहीट नहीं करना चाहिए, वापस इसको हीट नहीं करना चाहिए। नाउ वॉशिंग द वेजिटेबल्स, तो जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको वॉश करने में भी, या फिर जब आप कट करते हो तो भी लॉस हो जाती है। नाउ एज यू कैन सी हियर, ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, सॉल्ट, वाटर, रफेज, ये क्या अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड है और इनकी किसकी अपने को कितनी अमाउंट में नीड है अपनी बॉडी को, ये हो गया। ठीक है, किसको, बैलेंस डाइट फॉर द एज ग्रुप 10 से 18 इयर्स के जो भी मतलब हैं उनको कितनी अमाउंट में नीड है। ठीक है, नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ आपको अभी इसके जो एक्सरसाइज है वो भी अच्छे से लर्न करनी, उनको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप से आपको अपना जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।